देश विदेश में भगवान श्री कृष्ण के नाम की अलग जगाने वाले इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत श्रील स्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। रमणरेती मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में आयोजित तिरुभाव महोत्सव में जहां मंदिर के सेवाधिकारी व भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभुपाद की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया, वहीं महोत्सव में उपस्थित भक्तों ने प्रभुपाद का गुणगान करने के साथ ही हरिनाम संकीर्तन व धार्मिक धुनों के मध्य महोत्सव का जमकर आनंद लिया। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है पूरे इस्कॉन दुनिया में, क्योंकि आज के दिन 46 वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक हैं उन्होंने समाधि ली थी यहीं वृंदावन में। तो आज के दिन बड़े उत्साह से भक्त लोग, विशेषकर उनके शिष्य यहाँ उपस्थित होते हैं। देश भर से, विदेश भर से आते हैं, प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, उनकी हम पुष्पांजलि होती है और उसके साथ अभिषेक जो हो रहा है, और आभार प्रकट करते हैं उनका जो उन्होंने किया। 70 वर्ष की आयु में 40 रुपए पॉकेट में थे, वृंदावन से अमेरिका गए और 11 वर्ष के अंदर अंदर पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का संदेश उन्होंने फैलाया और 10,000 से ज़्यादा शिष्य उनके हुए। 108 मंदिर उन्होंने स्वयं स्थापित किए और पूरे भारत को, विशेषकर वृंदावन को, पूरी दुनिया में वृंदावन का नाम उन्होंने गौरव किया। तो ये आभार प्रकट करते हैं और विशेषकर जो उनके व्यक्तिगत सेवाधारी थे, सेवक थे, उनके साथ जो उनको संग मिला और जो उनसे प्रेरणा मिली भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है और लोगों को भगवान की भक्ति कैसे सिखाई जाती है, ये प्रभुपाद ने सिखाया।